हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टीम स्कॉलर्स। तो आज हम जो है कीटोन स्पीसीज पे कुछ क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और आप इन्हें प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कीटोन का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जनरली बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में NBS, KVS, DTPSSB में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन से कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए की स्टोन स्पीसीज। देखिए टर्म है की स्टोन, की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, स्टोन का मतलब पत्थर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। स्टोन का मतलब पूरा पूरे सेंट्रल पार्ट किसी सिस्टम का, ठीक है। तो इन विच आर द फॉलोइंग इज ए की स्टोन स्पीसीज, तो इसमें बोल्ब्स, फ्रॉग, डॉग एंड नन ऑफ द अबव के ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा है कि कीटोन स्पीसीज के मैंने आपको वहाँ पे 15 एग्जाम्पल्स बताए हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। गाइज ऑप्शन फर्स्ट बोल्ब जो है की स्टोन स्पीसीज है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिजास्टर, जिसे बोलते हैं स्टारफिश, जो कि एक इकाइनोडर्मेट्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट ग्रुप का जो फाइलम होता है इकाइनोडर्मेट, उसका मेंबर होता है, ठीक है। इज ए की स्टोन स्पीसीज है, वाई कह रहा है, क्यों, कैसे करके, कि ईट्स द अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज खा लेता है, पॉलिनेट द प्लांट्स, प्लांट को पॉलिनेट करता है, या फिर दोनों ही काम करता है इसलिए कीटोन स्पीसीज है, या फिर है कि दे बिल्ड थिंग्स फॉर अदर स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो किंग होता है कीटोन स्पीसीज, जस्ट लाइक ए स्टार की टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें इसका जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है ये कि ये जो होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो दे बिल्ड थिंग्स फॉर अदर, अदर का मतलब दूसरे जो प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल प्लांट्स हैं वहाँ पे, उन सबके लिए एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, उनके सर्वाइवल के लिए कंडीशन बनी रहती है कि वहाँ पे सर्वाइव कर जाएं, ठीक है। गाइस थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ की स्टोन स्पीसीज इज ए बी, सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पे इन्होंने उसे चेंज कर दिया है, जो एनिमल है की स्टोन स्पीसीज जो है बी, मतलब मक्खी जो होती है मधुमक्खी, वो कैसे करके की स्टोन स्पीसीज है, हम ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो प्रे है, इंजीनियर है, म्यूचुअलिस्ट है या प्रीडेक्टर्स है। तो आपने देखा वी जो होता है वो पॉलिनेशन में काम करता है, पॉलिनेशन के लिए प्लांट को पॉलिनेशन करता है, और पॉलिनेशन वो इसलिए नहीं करता है कि वो केवल पॉलिनेशन करने ही प्लांट पे जाता है, वो अपना फूड मटेरियल, आपने देखा होगा प्लांट पे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक सुगरी मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं नेक्टर, ठीक है। उस नेक्टर की वजह से ये उस पे जाता है और फिर वहाँ से इसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और ये वो दूसरे प्लांट पे जाला जाता है, तो इस तरीके से ये उस प्लांट को पॉलिनेट कर देता है। तो इस कैटेगरी में होता है कि म्यूचुअलिस्टिक, कि उसे प्लांट ने सुगरी मटेरियल प्रोवाइड करा और इसने प्लांट को पॉलिनेट करा, तो इट्स गोज टू म्यूचुअलिस्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो बी जो है म्यूचुअलिस्ट कैटेगरी की स्टोन स्पीसीज है। नेक्स्ट गाइस, ए वोल्फ पैक हंट्स, किल्स एंड फीड्स ए आने मूज, एक एनिमल्स होता है मूज और एक हंट्स, वोल्फ एक बड़ा एनिमल होता है, एक स्मॉल एनिमल होता है मूज। तो कह रहे हैं इस वाले संबंध में, इन दिस इंटरेक्शन मूज इज, मूज क्या है, तो आप देखते हैं कि जो वोल्फ ने मूज को फीड कर लिया, मतलब अटैक करके से खा गया, तो मूज यहाँ प्रे हो गया और बड़ा एनिमल प्रीडेटर होता है। तो पूछ रहा है कि मूज क्या है, तो मूज क्या होगा गाइस, बनी भी रहे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ की स्टोन स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे नोट्स में ये लेक्चर फर्स्ट में आप इसे देखेंगे तो पहली नजर में आप क्वेश्चन लगा लेंगे कि कौन सा करेक्टर कीटो स्पीसीज का है और कौन सा नहीं है। तो पहले में देख रहा है कि इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी इज मच लार्जर देन वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स अबंडेंस, कि जो नंबर होती है उसके कंपेयर में जो इसका इन्फ्लुएंस होता है, जो इसका इम्पैक्ट होता है या जो इसका इफेक्ट होता है इकोसिस्टम पे, बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल करेक्ट बात गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टोन स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट आइदर बाय देयर बाय प्रोडक्ट या बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, करेक्ट आंसर कि ये भी सही है कि भाई जो की स्टोन स्पीसीज होती हैं वो अपने बाय प्रोडक्ट के थ्रू या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू किसी भी एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीसीज ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल एक्ट एज ए की स्टोन स्पीसीज, की जो फूड चेन का जो हम डायग्राम बनाते हैं उसमें जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पर लोग आते हैं, जो एनिमल्स या प्लांट जो भी आते हैं, क्या वो की स्टोन स्पीसीज काम करते हैं, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ कि की स्टोन स्पीसीज यूजली फंक्शन टू स्टेबलाइज द इकोसिस्टम, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि की स्टोन स्पीसीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के वक्त जो इसका फीचर्स नहीं है, नॉट ए फीचर ऑफ की स्टोन स्पीसीज, तो वो आता है ऑप्शन सी कि की स्टोन स्पीसीज जो होती हैं वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होते हैं, बल्कि ये अपर ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाने वाले प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट टाइप ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज ए ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग। ये डॉग मतलब जैसे अपने डॉग होता है उससे बड़ा सा डॉग होता है, ठीक है, ब्लैक टेल्ड, आप नेट पे जाके देखें ब्लैक टेल, इसकी जो पूछ होती है वो काले कलर की होती है। तो ये किस तरीके का की स्टोन स्पीसीज है, पहली बात तो ये क्लियर है क्वेश्चन से भाई की स्टोन स्पीसीज तो है, बट अब पांच जो कैटेगरी है की स्टोन स्पीसीज उसमें से इसे किसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे एक है प्रे, दूसरा है प्रीडेटर, तीसरा है म्यूचुअलिस्ट, चौथा है होस्ट और एक होता है मॉडिफायर्स, ठीक है। तो ये डॉग है तो डॉग नॉर्मली किस में आएगा, ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये मॉडिफायर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि डॉग होकर प्रेडेटर नहीं है, ये किसी दूसरी चीज़ खाता नहीं है, बल्कि ये जो डॉग है ये स्मॉल स्मॉल होल्स बना देता है सॉइल के अंदर, फिर उन सॉइल्स में क्या होता है वाटर फिल हो जाता है, जब वाटर उस सॉइल में फिल हो जाता है तो वो जो हैबिटेट बन जाता है या जो वो घर बन जाता है वो दूसरे एनिमल आके उसके अंदर रहने लगते हैं। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम को मॉडिफाई कर देता है कि कुछ एनिमल का रहने की जगह कहीं और थी, ये बना कहीं और देता है, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर्स कहलाते हैं। तो गाइस ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग क्या है, मॉडिफाइड की स्टोन स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर, दोनों बातें हो सकती हैं कि दो भी हो सकते हैं, आर की स्टोन मॉडिफायर्स, किसमें से कौन की स्टोन मॉडिफायर्स है। देखिए रेड नेक्ड सैप सकर जो कि स्मॉल सा बर्ड्स होता है, जो सक पकर का मतलब होता है, सैप सकर का मतलब कि जो प्लांट पे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे जूस लेने के लिए जाता है, सक का मतलब होता है अवशोषित करना मतलब सोखना, और सैप का मतलब होता है जो फ्लावर के पास जो नेक्टर्स होता है, जो सुगरी मटेरियल होता है, आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर के पास कुछ जूसी और सुगर मीठा सा पदार्थ होता है उसके पास, इसलिए जो मक्खी और जो बड़ी से फ्लावर्स वो होते हैं इंसेक्ट वगैरह घूमते रहते हैं, ठीक है। जो उसी तरीके का एक बर्ड होता है, मतलब जैसे हम कहते हैं कोई कबूतर तरीके का जो होता नहीं, कौआ कबूतर इस तरीके का बर्ड होता है। दूसरा है ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग, जो हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं कि मॉडिफायर्स है, देखिए उस क्वेश्चन से हमें क्लियर हुआ, एग्जाम में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्वेश्चन ऊपर कुछ दिया होता है उसे नीचे वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो इसमें हमें कोई डिस्कस ही नहीं करना, ऊपर कर चुके हैं कि ये क्या है, मॉडिफायर्स है, ठीक है। तीसरा है अमेरिकन एलिगेटर, अमेरिकन एलिगेटर जैसे हम बोलते हैं नागका या घड़ियाल, ये भी एक मॉडिफायर्स है। तो इस तरीके से रेड नेक्ड सैप सकर, ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग, अमेरिकन एलिगेटर, ये सब क्या हैं, इकोसिस्टम मॉडिफायर्स या कीस्टोन मॉडिफायर्स हैं। नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट टाइप ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज ए ब्लैक बेलीड सेलामेंडर। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि सेलामेंडर होता क्या है, ठीक है। सेलामेंडर जो होता है वो एम्फीबिया ग्रुप का होता है, जिस ग्रुप का मेंढक वगैरह होता है, आप उस ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग सेलामेंडर। तो ये जो होता है प्रे हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, म्यूचुअलिस्ट हो सकता है, या प्रीडेटर हो सकता है। तो अब देखें मेंढक कितना छोटा सा होता है, स्नैक जो होता है मेंढक को खा लेता है, और दूसरे एनिमल कुत्ता भी मेंढक खा लेता है, बिल्ली भी मेंढक को खा लेती है। तो ये जो ब्लैक बेलीड सेलामेंडर है वो इकोसिस्टम में पाया जाता है, बट ये कीस्टोन स्पीसीज भी है। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कीस्टोन स्पीसीज है, बट किस तरीके की कीस्टोन स्पीसीज की पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो इसका आंसर होता है ये प्रे कीस्टोन स्पीसीज है। तो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रिमूवल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज अफेक्ट द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर कीस्टोन स्पीसीज को किसी इकोसिस्टम से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, तो व्हाट रिजल्ट ऑफ दैट, इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए इसका परिणाम किस पे पड़ेगा, इकोसिस्टम पे पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स पड़ेगा, कंज्यूमर्स पड़ेगा, या डिकम्पोजर्स पे पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर जो होते हैं ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है। जब कीस्टोन स्पीसीज वहां से हम निकाल देंगे तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो आपका पड़ेगा इकोसिस्टम पे। तो क्या इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज क्विकिंग एस्पिन। बार बार वैसी क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा आपके लिए कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना जाए। क्विकिंग एस्पिन एक टाइप का प्लांट है, अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दूं तो आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवी में या फिर इंडियन मूवी में जो बाहर शूटिंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कनाडा उनाडा में येलो इस कलर का पूरा उनकी बॉडी होती है, फ्लावर और लीफ सब एक ही कलर की होती है, तो वो क्विकिंग एस्पिन होता है। तो इस प्लांट का क्या करेक्टर्स है कि इस प्लांट का जो कैनोपी होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसकी वजह से इस प्लांट के जस्ट नीचे जो सॉइल होता है, जो इकोसिस्टम का पार्ट होता है, लैंड एरिया होता है, वहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है कि इस जगह की जो क्लाइमेट है वहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या जो CO2 कंसंट्रेशन है, दूसरी जो कंपोनेंट है वाटर ह्यूमिडिटी, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो बाकी सिस्टम से अलग होती हैं, मतलब एक अलग टाइप का हैबिटेट बन जाता है। और ये जो हैबिटेट होता है इस इकोसिस्टम के अलावा जो सराउंडिंग के इकोसिस्टम है वहाँ से जो पाए जाने वाले कुछ प्लांट, वहाँ से पाए जाने वाले कुछ एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करता है कि वो यहाँ आके सर्वाइव करें, ठीक है। तो जो क्विकिंग एस्पिन है वो एक हैबिटेट टाइप का
कीस्टोन स्पीसीज है, तो इसमें देखिए हैबिटेट टाइप का मतलब होस्टिंग करता है, तो ये ऑप्शन बी कीस्टोन होस्ट। आपको क्लियर हो गया कि इसकी कैनोपी की वजह से जो नीचे का एटमॉस्फेयर होता है वो बाकी इकोसिस्टम के क्लाइमेटिक कंडीशन से थोड़ा अलग होता है, और ये वाली जो पॉइंट है ये जो उस इकोसिस्टम के सराउंडिंग जो दूसरे एनिमल रह रहे हैं वो इसकी वजह से इस इकोसिस्टम में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इंटर करने का मतलब जैसे कोई मेहमान हमारे घर पे आ जाए तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो हम यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, होस्ट का। तो सेम यही कंडीशन इसकी है कि क्विकिंग एस्पिन जो होता है वो होस्ट का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखिए एक की स्टोन स्पीसीज इज वन दैट, कि कौन की स्टोन स्पीसीज होता है। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि वो की स्टोन स्पीसीज जो होता है दैट इज वन लेवल। वन लेवल का मतलब होता है कि ओपन टू अटैक, कि बिल्कुल उस पर कोई हमला करने वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी हालत ऐसी है कि उसमें बहुत आसानी से बीमारी लग सकती है, बहुत आसानी से उसे कोई दूसरा एनिमल खा सकता है, उसका मतलब होता है वन लेवल। वन लेवल का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में ही टर्मोलॉजी करें इसकी, तो ओपन टू अटैक कि बहुत ज़्यादा मतलब संदिग्ध कंडीशन में है कि कोई भी इसे मार सकता है, कोई भी इसे अफेक्ट कर सकता है, कोई भी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। टू एक्सटिंक्शन कि खत्म होने के बिल्कुल कगार पे है वो की टू स्पीसीज होती है, या फिर कह रहा है दूसरे ऑप्शन में इज विद रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया, या वो एनिमल या वो प्लांट जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही रहता है वो की स्टोन स्पीसीज होता है। तीसरे में कह रहा है कि कीटोन स्पीसीज के बारे में कि स्ट्रांगली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, कि वो प्लांट है वो एनिमल जो किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी को बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट करता हो। और तो फोर्थ में कह रहा है डी में कि ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कि कीटोन स्पीसीज जो होती हैं वो किसी भी इकोसिस्टम को बहुत ही स्ट्रांगली उनकी स्ट्रक्चर को और उनके कंपोजिशन मतलब उनके फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। अब इसमें देखिए कीटोन स्पीसीज का टॉपिक तो मैंने यहाँ पे बता दिया, मगर यहाँ जो कन्फ्यूजन ये होता है कुछ और भी नाम है जैसे अम्ब्रेला स्पीसीज, फिक्स फ्लैगशिप स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, तो मैंने यहीं पे इनका वन लाइन डेफिनेशन बना के क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आपको कीटोन स्पीसीज के अलावा थ्री अदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बारे में भी आइडिया हो जाए कि अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होती है, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती है और फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्लियर बोला गया है कि स्पीसीज या फिर ग्रुप ऑफ स्पीसीज चूजन एज एन इंडिकेटर फॉर द स्टेट ऑफ एन इकोसिस्टम, कि किसी इकोसिस्टम की स्टेट को उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पीसीज यूज की जाती है बाय द इकोलॉजिस्ट, बाय द बायोलॉजिस्ट, बाय द बॉटनिस्ट, वो स्पीसीज क्या कहलाती है। देखिए इंडिकेट करने के लिए करी जाती है, जाहिर सी बात है क्या कहलाएगी, इंडिकेटर ही कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, इंडिकेटर स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज सिलेक्टेड टू एज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर मानते हैं आप लोग जो हमारे देश का एम्बेसडर चाइना में रहता है, तो जो हाई कमीशन होते हैं हमारे या फिर जो एम्बेसीज होती हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें एम्बेसडर बोलते हैं, मतलब हमारे देश की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो लीगल मैटर होते हैं उन पर दूसरी कंट्री से डिस्कस करते हैं वो एम्बेसडर कहलाता है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव चाइना में रह रहा है, दैट्स नोन एज एम्बेसडर। ठीक है, तो कह रहा है कि स्पीसीज सिलेक्टेड टू एज एम्बेसडर आइकॉन सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट इशू। ठीक है, कोई ऐसे इशूज हैं जो वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो उन पर आजकल चर्चा चल रही है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि कोई कैंपेन चल रही है या कोई इन्वायरमेंटल काज है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पीसीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। कहते नहीं फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम। जैसे कोई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कोई योजना लाती है तो कहते हैं ये गवर्नमेंट की सेकंड जो टर्म है नरेंद्र मोदी जी का उसकी की मतलब ये योजना फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब है कि इसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएँ और आएंगी इसी टाइप की। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीरीज ऑफ जो उनकी योजनाएँ जो आएंगी उनके लिए। ठीक है, तो फ्लैगशिप स्पीसीज वही होती हैं कि जो एम्बेसडर होती है, आइकॉन होती है, सिंबल होती है फॉर ए डिफाइंड हैबिट के लिए, काज के लिए, कैंपेन के लिए, एनवायरमेंटल काज के लिए, उसे हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्पीसीज दैट आर सिलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन बिकॉज कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दोज स्पीसीज इनडायरेक्टली अफेक्ट द कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज विद इन देयर इकोसिस्टम इज रिफर्ड एज। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज इकोसिस्टम है और हम उसे प्रोटेक्ट करें, किसी वजह से प्रोटेक्ट करें कि हमें पता चल रहा है कि वो स्पीसीज खतरे में है, खत्म होने वाली, तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है कि उसके प्रोडक्शन जो हमने उसे दिया उसकी वजह से कुछ दूसरी सराउंडिंग की स्पीसीज या उस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली दूसरी स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है,
तो जो जिसके लिए हमने टारगेट थे कि इसे हमें प्रोटेक्ट करना है पार्टिकुलर के लिए, जैसे हम सपोज कर ले हम किसी उसमें जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में, हमें लगता है कि ये स्पीसीज बहुत ज़्यादा है अंडर स्ट्रेस में, अंडर स्ट्रेस का मतलब ख़त्म होने कगार पे है, तो हम उसे प्रोटेक्शन देते हैं। अब देखते हैं कि उस वो तो प्रोटेक्ट हो गई, कुछ टाइम के बाद हमने फर्दर एनालिसिस करा तो पता चला कि वो तो प्रोटेक्ट जिसके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया वो तो प्रोटेक्ट हो गई, बट उसके रेफरेंस में कुछ दूसरी स्पीसीज का नंबर भी उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में बढ़ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस स्पीसीज को क्या कहेंगे जिसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अम्ब्रेला स्पीसीज। दैट वेरी इंपॉर्टेंट और रीजनेबल क्वेश्चन। अम्ब्रेला का मतलब होता नहीं कि एक अम्ब्रेला होता है उसके अंदर दो चार लोग आ जाते हैं, कहते नहीं अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब बहुत छोटे छोटे कई सारे प्रोग्राम्स की बात हम लोग करेंगे तो अम्ब्रेला प्रोग्राम कहते हैं। इसी तरीके से अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाएगी। गाइस मैंने कुछ पिक्चर लगाए, जैसे मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था कि कीटोन स्पीसीज क्या होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ। जैसे कीटोन स्पीसीज देखिए, इस एग्जांपल को आप डायग्राम को अच्छे से देखें, यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये एक पूरा एल्गी का जंगल है, फॉरेस्ट है, केल फॉरेस्ट होते हैं जो एल्गी बोले जाते हैं, ठीक है। और इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं और जो इनवर्टिब्रेट भी होते हैं वो रहते हैं, मतलब उनका घर है रहने का, ठीक है। अब इस जो वेजिटेशन है, मतलब एल्गी एक एल्गी होता है प्लांट की तरह, इसे जो होते हैं दूसरे एनिमल लाइक सी आर्चिन ये इसे खाती है, इतनी इस पर फीडिंग करती है कि इसका पूरा ये पूरा इसका साम्राज्य पूरा इसका विस्तार जो है ख़त्म होने कगार पे है। तो इससे दो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, एक तो ये पूरा जो एल्गी का जंगल है जो ये केल्प है, केल्प मतलब होता है कि लार्जेस्ट एल्गी जो है वो केल्प कहलाते हैं और ये ओशियन में पाए जाते हैं, ओशियन में पूरा इनका नेटवर्क होता है, पूरा जंगल होता है जिसे बोलते हैं केल्प फॉरेस्ट, ठीक है। तो जब ये सियार्चिन का डायग्राम है, जहाँ पर गाइस मैं देखे ये सियार्चिन है, ये समुद्र में पाई जाती है, सियार्चिन बोलते हैं इसे, ठीक है, ये इसे फीड करती है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो एनिमल रह रहे हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, उनके रहने की जगह खत्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जब मेरे रहने की जगह खत्म हो जाएगी तो वो जो एनिमल्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कीटोन स्पीसीज कौन होगा, अब ये देखिए ये एक एनिमल होता है, इसे बोलते हैं सी ओटर, सी ओटर जो है वो इसे आके खा लेगा, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये जो है बच जाएंगे, और ये बच जाएंगे तो इसके अंदर रहने वाले जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हैं वो भी बच जाएंगे, तो इस तरीके से क्या है पूरा इकोसिस्टम जो है चलता रहेगा। ओके, थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर आल्सो।